है कि अंदर अर्थ का मतलब बाहर अर्थ, अंदर अर्थ का मतलब हुआ बाहर अर्थ, ये बाहर अर्थ कर दिया। और जब बाहर अर्थ कर दिया तो डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे है, ऊपर कितना है K1 बराबर 7 और नीचे K2 बराबर कितना है 1। क्यों बच्चा लोग, डाइलेक्ट्रिक तो जहाँ है वहीं है ना, और प्लस प्लस में हम बड़ा वाला लेंगे, बड़ा वाला लेंगे। अब बड़ा वाला आइसोलेटेड है और इसका रेडियस कितना है 2 मीटर, इसका रेडियस कितना है 1 मीटर और 2 मीटर। अब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक से मतलब नहीं है, बाहर के डाइलेक्ट्रिक से मतलब होता है। अंदर भर दोगे लोहा लक्कड़ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर रहने पे तब चेंज होगा ना कैपेसिटी। तो इसकी कैपेसिटी क्या हो गई 2 मीटर है, तो 2/9 नैनो फैरड, यही पढ़ा है। प्लस इसकी कैपेसिटी क्या होगी, अब आप इसको लिखोगे 4π एप्सिलॉन, 4π एप्सिलॉन माने 1/9, ठीक है। AB 2/1 और K का अर्थमेटिक मीन ना 7 + 1/2 और नैनो फैरड। बच्चों ये कहानी समझ में आ रही है, ये 4π एप्सिलॉन AB/B- से होगा और यहाँ पे K का अर्थमेटिक मीन हो गया। अब आपने लिखा 2/9 प्लस, ये 2 से 2 काट दो, 8/9 हो गया, ये दोनों हो गया नैनो फैरड, और इसको सम कर दिया जाए तो 10/9 नैनो फैरड, यही आया था। कितने लोगों का आंसर आया था 10/9? कैलकुलेशन करो, ये 16 आ रहा है क्या, ये 2 से 2 कट जाएगा ना यहाँ पे, इसका अर्थमेटिक मीन होगा। अरे भाई ये अंदर वाले का बाहर वाले क्या होता है, 4π εr AB/B- और फिर K का अर्थमेटिक मीन, तो K का अर्थमेटिक मीन लिखा कि नहीं लिखा, और 2 से 2 कट गया, तो 8/9 यहाँ 2/9 यहाँ, तो 10/9 हो गया। अब समझे कहाँ खतरा था, वो फार्मूला ही नहीं है, जो आप फार्मूला लगा रहे हो है ही नहीं है फार्मूला, ज़बरदस्ती फार्मूला बना दिया तो कोई आपको मना करेगा, फार्मूला तो ये है। इसको आपको क्या करना है, जब भी अंदर अर्थ है तो आपको क्या करना है, तोड़ना है, तोड़ के लगाना है। कभी कभी मैच कर जाएगा, कभी कभी फेल हो जाएगा। जैसे 2 + 2 और 2 × 2 सेम है, लेकिन 2 और 3 के लिए अलग हो जाएगा। तो कभी आंसर आपका आ गया होगा तो दिस इज नॉट अ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, जो मैंने आपको सिखाया वो फार्मूला जो बनाया था, ऊपर सर दर्द कर रहा था क्या, यही बताना था कि जब अंदर अर्थ हो जाए तो आप जबरदस्ती काम ना करके आप सिस्टम से करें। सिस्टम बता दिया ना क्या है, उसको 2 भागों में तोड़ लीजिए और दोनों को जोड़ लीजिए, आंसर एकदम सही आएगा। और अगर कभी गड़बड़ हो जाएगा तो जबरदस्ती का नंबर चला जाएगा। क्लियर हुआ, ये सवाल है, इसको बताना जरूरी था ना, नहीं तो देखो आपको यहीं गड़बड़ होना था, इसीलिए इसको बताना जरूरी था कि भाई देखो तुम ऐसे कैसे कर पाओगे। चलो आगे बढ़ाते हैं बच्चों लोग, अब हमें इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए। स्फेरिकल कैपेसिटर में सी का मान पूछेगा, तमाम तरह से तो लगा लेंगे, और किसी को कहीं पे कोई कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिमाग में चीज़ें हैं ना समझ आई हो तो पूछ लें, और अगर सब ठीक है तो अगला स्टेटमेंट लिखें। क्या लिखेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जैसे ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर खत्म होगा वैसे एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब बच्चों आगे लिखोगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम यहां पे मान लेते हैं, पहले ही मान लेते हैं कैपिटल ए प्लेट एरिया, प्लेट एरिया, और डी है सेपरेशन बिटवीन प्लेट, डी है सेपरेशन बिटवीन प्लेट।
अब बच्चों पहला पॉइंट आया, नंबर वन आया, अब देखो ये दो प्लेट हमने ले लिया और उसके बीच में गैप दिया है डी। अब चार्ज आप देना है तो दे सकते हैं, यहाँ पे प्लस क्यू होगा तो वहाँ पे माइनस क्यू होगा, देना चाहें तो चार्ज को लेके दिखा सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं सवाल लगाना। देखो मैं कैसे क्वेश्चन करूँगा बच्चों, V बराबर क्या होता है, ई इंटू डी। V बराबर क्या होता है, ए इंटू डी होता है। दिखाना चाहें कैलकुलेशन के लिए तो प्लस माइनस दिखा सकते हैं। अब E का मान क्या होगा, सिग्मा अपान अपसाइलन इंटू डी होगा। V बराबर सिग्मा की जगह क्यू अपान अपसाइलन नॉट ए इंटू डी होगा, सिग्मा माने क्यू अपान ए। बच्चों फिर C बराबर क्यू अपान V होगा और ये एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी होगा। सी का मान आ गया तो सी की वैल्यू हमें मिली एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। थोड़ा सा फार्मूला कैसे डेवलप किया वो देखा, बाकी आपके एग्जाम में तो बस फार्मूले से ही मतलब है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी से आया कैसे जानना चाहिए, पर जो आया है उसे ध्यान रखना चाहिए। बच्चों सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो गया। अब अगर कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ानी है, बच्चों सी का मान हमें बढ़ाना है, सब लोग अभी लिख ही रहे हैं, थोड़ा लिख के तैयार हो। आगे बढ़े। अब मैं ये बोल रहा था कि अगर सी की वैल्यू बढ़ानी है, कैपेसिटी बढ़ानी है तो क्या करें, तो यहाँ पे दो काम कर सकते हो, एक तो प्लेट एरिया बढ़ा सकते हो। अब मान लो प्लेट एरिया बढ़ाने को हमने प्रेफरेंस दे दिया, अब कैपेसिटर बनाया और प्लेट एरिया उसका 20-20 मीटर स्क्वायर का प्लेट लगा दिया और पंखे में कैपेसिटर लगा है, इस पंखे में कंडेंसर है सफ़ेद रंग का लगा रहता है, अगर वो ख़राब हो जाए तो पंखा धीरे धीरे चलता है, निकाल लो चलेगा ही नहीं। तो कैपेसिटर है तभी ये पंखा चल रहा है। अब उसमें आप 20 मीटर स्क्वायर एरिया का बड़ा बड़ा प्लेट लगाओगे उस पंखे के अंदर, तो समझ लो पंखा कितना बड़ा बनेगा, तो पब्लिक कहाँ रहेगा, पता चला इस हाल में पंखा ही चल रहा है। तो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए प्लेट एरिया बढ़ा सकते हो, लेकिन वो अच्छा ऑप्शन नहीं है। आज ये है कि जितना छोटा डिवाइस हो और जितना उसमें ज़्यादा एप्लीकेशन है वो अच्छा है। तो अगर हम डी का मान कम कर दें तो कैपेसिटर का साइज बढ़ेगा कि घटेगा, और कैपेसिटी तो अच्छा ऑप्शन क्या हुआ, ए बढ़ाना कि डी घटाना, डी घटाना अच्छा ऑप्शन हुआ, डी घटता जाएगा और सी का मान बढ़ता जाएगा। अब जब डी घटता जाएगा तो सी का मान बढ़ेगा, मतलब अगर बेटर ऑप्शन की बात किया जाए, खैर हम थ्योरी में तो दोनों लिखते हैं, लिखेंगे तो दोनों, लेकिन इस पे हम थोड़ा क्वेश्चन मार्क ट्री का कुछ मत लगाओ इसमें, नहीं सोचो कि गलत है सही है, मतलब ये हम ज़्यादा इसको प्रेफरेंस देते हैं, प्रेफर करते हैं कि साइज छोटा हो। पर एक प्रॉब्लम है यहाँ पे बच्चों, अगर ये कैपेसिटर को प्लस और माइनस है बीच में और ये प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और अगर छोड़ दोगे तो स्टिक करेगा, और जब स्टिक करेगा तो सब समाप्त हो गया खेला। अब ये क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। अब दूर होने के लिए फिर ऐसे छोड़ेंगे नहीं, फिर तार से बांधना पड़ेगा। अब पंखे के अंदर कैपेसिटर है मान लो यही वाला, तब उसको तार से बांधना पड़ेगा और पंखा चला दिए, और मान लो किसी तरफ का तार टूट गया तब क्या होगा, ये जाके उस पर शार्ट कर देगा, 700 रुपये का पंखा जल के राख हो जाएगा। तो 700 रुपये का पंखा जल के राख हो गया 10 रुपये का कैपेसिटर के चक्कर में, तो खराब है कि नहीं।
तो अब यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये है कि ये दे कैन टच, और उसके वजह से स्पार्क आईडी डैमेज हो जाएगा। तो फिर हम सोचते हैं कि ये टच भी ना करे, और उसके लिए तब इसमें कुछ मटेरियल डाल दें, और जब मटेरियल डाल दें तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दो। तो जब डाइलेक्ट्रिक डाल दोगे तो इंसुलेटर है, मतलब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो टच भी नहीं करेगा, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक से बड़ा होगा तो कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा। तो फ़ायदा है कि फ़ायदा ही फ़ायदा, फ़ायदा ही फ़ायदा। तो अब फ़ायदा ही फ़ायदा क्या हुआ कि इसमें क्या डाला जाए, डाइलेक्ट्रिक। अब दूसरा ऑप्शन लेते हैं, इसमें डाइलेक्ट्रिक फिल करने वाला। अब नंबर टू इसी बॉक्स में बनाएंगे। अब दूसरा नंबर डाला। बच्चों ये प्लेट है और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया, ये वाला। ये डाइलेक्ट्रिक डाल दिया और इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, के है, ये के है, और बीच का सेपरेशन डी है। अब बताना है इसमें सी का मान, इस फार्मूले शुरू करेंगे ना, ऐसे लिखेंगे। तो बच्चों इसमें वी लिखोगे, वी वी बराबर क्या लिखोगे, ई मीडियम इनटू डी मीडियम। भाई एयर नहीं है ना, एयर होता तो एयर लिखते, मीडियम है तो मीडियम लिखना। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम सबको आता है, बताओ, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन और डी मीडियम इनटू डी। अब सिग्मा की वैल्यू चेंज कर लो, सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखा है ना आपने, तो सिग्मा को बदल दो के अपान, क्या लिखोगे, क्यू अपान, हाँ क्यू अपान ए लिखोगे। अब बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे वी बराबर क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट ए अपान इनटू डी। अब आप लिखोगे सी बराबर क्यू बाई वी, यहाँ पे सी बराबर क्यू अपान वी, तो सी बराबर हुआ के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। देखो कितना फ़ायदा हुआ, डी घटा दिया तो कैपेसिटी बढ़ गया, और बीच में के डाल दिया तो उसको तार से बांधने का समस्या समाप्त हो गया, और डायलैक्ट्रिक डालने से और बढ़ गया, तो यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ता ही चला गया और सेफ हो गया, स्पार्क नहीं करेगा, डैमेज नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पे सी का मान ज़्यादा हो गया। अब यहाँ हम लिखेंगे, ये लिखेंगे कैपेसिटी इन मीडियम बराबर के इनटू कैपेसिटी इन एयर। तो जब मीडियम को फिल करोगे तो कैपेसिटी बढ़ेगा, ये दूसरा नंबर हो गया। जीवन भर रखेगा, जब तक रहेगा, जब तक रहेगा तब तक स्टोर करेगा। यदि ये मतलब छोटा वाला जो है वाला स्टोर होता है, जैसे इसको सर पॉजिटिव नेगेटिव मतलब करंट में, तो उसके बाद थोड़ी सी को पॉजिटिव अटैक द चिट की आवाज आती है, लेकिन बाद में डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसकी एनर्जी जब उसको चट की आवाज आई, हाँ, तो उसकी एनर्जी तो खत्म हो गई। जब एनर्जी खत्म हो गई तो बचेगा क्या? नहीं सर मतलब वो नहीं, मतलब जैसे तुरंत तो चलो जाने दो, इधर देखो। अब बच्चों आगे बढ़ो। अब यहाँ पे दूसरी बात हम लोगों ने क्या देखा कि कैपेसिटी क्या है, बढ़ गया। तो बताइए यहाँ फ़ायदा हुआ कि फ़ायदा ही फ़ायदा, और जहाँ ज़्यादा फ़ायदा हो वहाँ सावधान हो जाना चाहिए कि कुछ कुछ प्रॉब्लम है। इसलिए जब भी ज़्यादा फ़ायदा हो तो एक बार सोचना चाहिए कोई कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या। अब यहाँ पे फ़ायदा ही फ़ायदा है, देखो कुछ गड़बड़ी हो रही है। अब गड़बड़ी क्या हो रही है, अब वो समझा रहा हूँ। ये मैंने लिखा, आप तीसरा नंबर लिखते हैं। तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे लीकिंग कैपेसिटर। लीकिंग कैपेसिटर, अब यहां पे लिखा है मैंने लीकिंग कैपेसिटर। अब लिखा गया कैपेसिटर, कैपेसिटर को चार्ज किया जाए
कैपेसिटर चार्ज्ड विथ पोटेंशियल वी। बच्चों मैंने कैपेसिटर को वी वोल्ट से चार्ज कर दिया। जब आप चार्ज कर दोगे ना तो एक प्लेट चार्ज का मतलब क्या है, दोनों प्लेट पे चार्ज आ गया, एक पे पॉजिटिव आ गया और एक पे नेगेटिव आ गया। इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस वाले पे नेगेटिव आ गया। ये प्लेट है और ये अर्थिंग है, और इसमें आपने इंसर्ट क्या करी बच्चों, डायलेक्ट्रिक। डायलेक्ट्रिक है ना इसके अंदर, अब इसके अंदर हमने डायलेक्ट्रिक रखा, ये डायलेक्ट्रिक है। और इस डायलेक्ट्रिक का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है और इसकी रेजिस्टिविटी रो है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं है जिसकी रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट तो होता ही नहीं है, इनफाइनाइट तो पॉसिबल भी नहीं है ना, तो इसका मतलब ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जिसकी रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट हो। तो इसका रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट तो है नहीं, अगर इनफाइनाइट नहीं है तो कंडक्टिविटी जीरो नहीं है, और कंडक्टिविटी जीरो नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, और जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया तो ये रेजिस्टिविटी के कारण ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस, और जब रेजिस्टेंस हो गया तो इसमें से करंट जाने लगेगा, तो जो चार्ज है वो धीरे धीरे अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा, और जब डिस्चार्ज हो गया तो वो समाप्त हो गया। यही वो बच्चा पूछ रहा था, लेकिन जब काम की बात आई तो उसके ऊपर ऐसा शनि सवार की चला गया ना? जब काम की बात आई, जब उसके काम की बात आई तो गायब हो गया। यही वो पूछ रहा था कि ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, तो यही हो रहा है उसको, अकल नब कैसे आएगा बता देना आप लोग। अब बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस वी है, अब बात मत करो आगे बढ़ते रहो। तो मैंने तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, फाइनाइट। तो अगर ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, नॉट इनफाइनाइट, मैक्सिमम होगा बट नॉट इनफाइनाइट, तो कंडक्टिविटी क्या होगा, मिनिमम होगा लेकिन ये जीरो नहीं होगा। अगर कंडक्टिविटी जीरो नहीं होगा तो कंडक्शन होगा, करंट फ्लो करेगा। हाँ देखो बच्चा पूछ रहा था, वो चला गया, जो काफ की बात आई तो चला गया वो। यही होता है कभी कभी, ऐसे ग्रह सवार रहता है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, अब हमें इसमें निकालना है करंट। अब इसमें चलो बताओ करंट का मान बताओ, आई बराबर क्या हुआ, वी अपान आर। हाँ इधर देखो, अब बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वी का मान तो वी ही होगा। अब आर की वैल्यू बताओ, आर रेजिस्टेंस का मान पढ़ा है ना, आर बराबर क्या होता है, रो एल, एल की जगह एल माने डी, और प्लेट एरिया तो ये हो गया डी अपान ए। अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे रेजिस्टिविटी रो है, ये तो आर हो गया, रो एल अपान ए, इसको थोड़ा ठीक करते हैं। ए ऊपर चला जाएगा, देखो यहाँ ध्यान से देखते रहना मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, और नीचे डी हो जाएगा ना, और रो हो गया। बच्चों इसमें कैपेसिटर लाना है तो के से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं। अब साइलेंस से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं, फ़ायदा ज़्यादा हो गया यहाँ भी। अब क्या हुआ के, यहाँ देखो के अपसाइलेन ए अपान डी, बच्चों ये पूरा क्या है सी, के अपसाइलेन आट ए बाई डी क्या है सी, और ऊपर है वी तो सी वी अपान रो के अपसाइलेन नॉट, दिस इज द लीकिंग करंट। ये लीकिंग करंट है और ये करंट की वैल्यू आप लोगों से बहुत बार पूछा है, पूछा है कि अगर कैपेसिटर को चार्ज करके उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक प्लेट को डाल दिया जाए तो वो कैपेसिटर की कैपेसिटी तो बढ़ जाएगी लेकिन क्या वो चार्ज को हमेशा स्टोर कर पाएगा, नहीं, अपने आप वो डिस्चार्ज होगा और थोड़े थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो इसे कौन सा करंट कहते हैं, लीकिंग करंट। वे जब ये पूछे तो कहाँ चले गए थे, यही पूछ रहे थे और यही बता रहा था, ख़त्म हो गया, अब दोबारा नहीं बताते, अब अगल बगल से पूछ रहे, यही पूछ रहे थे यही बता रहा था, जब इसका समय आया तो अपने आप चले गए उठ के, हाँ यही होता है, इसे कहते ग्रह। अब नहीं ठीक, अभी पूछ लेना, अब बाद बताएंगे। अब ठीक, अब तीन बात हो गया, अब चौथी बात अब देखिए प्रॉब्लम इसमें क्या है, कैपेसिटी तो बढ़ गई लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लीकेज ये ख़राब है। ऐसे मान लो कोई बहुत बहुत बढ़िया मकान बना कोई बच्चों बहुत बड़ी छात्र हो तभी पढ़ा पाएंगे, हंसो मत, कोई बहुत बढ़िया मकान बनाया और वो मकान लीक कर रहा हो, मकान तो बहुत बढ़िया है और लीक कर रहा हो तो लोग बहुत परेशान होता है कि इतना अच्छा मकान चू रहा है। तो ये जो लीक है ना, ये ख़राब वर्ड है, हम चाहते हैं कि कैपेसिटी ज़्यादा भी हो और लीक ना करे, ये मैं चाहता हूँ। अब कैपेसिटर ज़्यादा हो, कैपेसिटी ज़्यादा हो और लीक ना करे, तो कैपेसिटी ज़्यादा कब होगा, जब डाइलेक्ट्रिक डालेंगे, और लीक कब नहीं होगा, जब वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैपेसिटर के प्लेट को ना टच करे। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल के लिए है, केवल वो केवल न्यूमेरिकल के लिए बना है, रियल में यही सब होता है। उसमें हम क्या करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक प्लेट डालेंगे और वो टच ना करे तो कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा और लीकिंग कैपेसिटर भी नहीं होगा। तो चौथा नंबर आया, मैंने क्या बोला है किसके लिए है, न्यूमेरिकल के लिए, तो समझ गए क्यों बोला, एग्जाम में यही आता है। अब ये लीकिंग कैपेसिटर नहीं है, ये मैंने डाइलेक्ट्रिक प्लेट इसमें इंसर्ट कर दिया, और इसके और प्लेट एरिया ए है। अब आपको सी का मान निकालना है, अब इस बार आप लोग अगर बता सको तो मुझे बताओ, बच्चों सी का मान निकालना, ठीक है, चलो बोलो। कॉन्सेप्ट कैसे हम लोगों ने शुरू किया, अभी इसमें जब सवाल लगाना शुरू किया तो मैंने आपको बोला कि वी निकालो, तो वी बराबर क्या लिखोगे, ई एयर इंटू डी एयर और प्लस ई मीडियम इंटू डी मीडियम। बताओ इसमें एयर और मीडियम दोनों है कि नहीं, तो दोनों लिखो, तो तरीका तो एकदम सिंपल सा है, जो एक जगह हो रहा वही हर जगह होगा। अब यहाँ लिखा ई एयर इंटू डी एयर प्लस ई मीडियम इंटू डी मीडियम, ई एयर सिग्मा अपान एप्सिलॉन, एयर में बच्चों एयर का डिस्टेंस वहाँ से देखो तो डी माइनस टी, हाँ देखते रहना, ई मीडियम सिग्मा अपान के एप्सिलॉन और डी मीडियम